अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, प्यारी बहनों, आम तौर पर इस दौर में बदहज़मी की, कब्ज़ की, तेज़ाब की बड़ी शिकायत रहती है और मैंने भी बहुत सारे नुस्खे आप हजरात तक पहुँचाए हैं। उन सब में आसान और सस्ता नुस्खा और बिल्कुल हल्का सा नुस्खा है, बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद की जरूरत नहीं, हल्की सी कोशिश से तैयार नुस्खा है और बड़ा कारामद है। इसे आप तैयार कर लें। आप चाहे घर पे रहें, सफर में रहें, कहीं भी रहें, आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले अजवाइन लेनी है। अजवाइन कितनी लेनी है? 50 ग्राम अजवाइन लेनी है। 50 ग्राम हैड़ लेनी है, छोटी हैड़। ये दोनों पीस लेंगे अलग अलग करके और फिर उसके बाद हम गुड़ लेंगे बकदरे जरूरत, जितनी आप जरूरत महसूस करते हैं। और आप उस गुड़ को बगैर पानी के, पानी में नहीं, बगैर पानी के कढ़ाई में, बर्तन में आग में रख के उसको, उसकी चाशनी बनाएंगे, पत्सी बना देंगे, उसको घोल देंगे। फिर उसको कढ़ाई से उतारेंगे चूल्हे से अलग करके। फिर हम उसमें ये दोनों चीजें मिक्स कर देंगे और जल्दी जल्दी उसको घोल लेंगे। वो कुछ इतना सख्त हो जाता है, उसमें आपको इतनी जल्दी करनी है कि वो गोलियां बना लें। देर लगाएंगे तो खुशक हो जाएगा, गोली नहीं बन पाएगी, बिखर जाएगा। इसलिए आप उसको बहुत जल्दी करके, घर में तैयार करते हैं तो बच्चों को भी साथ में लगा लें ताकि वो जल्दी बन जाए। इतनी बड़ी गोली यानी कंचे की बराबर एक गोली ऐसी बनानी है। सारी गोलियां बना के रख लें, सुबह शाम एक एक गोली आप निवाए पानी से, नीम गर्म पानी से लेते रहें। आपको जो कभी कभी बदहजमी की वजह से सीने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जी मिचलाता है, इन तमाम चीजों के लिए बेहतरीन गिजा है, बेहतरीन दवा है और आपको उल्टी की भी शिकायत नहीं हो पाएगी, कब्ज भी खत्म हो जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा है। आप घर पे रहते हुए करें या सफर में रहें, आप गोली अपने पास रखें और इस्तेमाल करते रहें। बेहतरीन नुस्खा है।